आज के वीडियो में जानेंगे रेलवे में ट्रैक सर्किट के बारे में कि आखिरकार रेलवे में ट्रैक सर्किट किसको कहा जाता है, रेलवे में ट्रैक सर्किट का उपयोग क्या है और ये किस तरह से ट्रेन को सुरक्षित परिचालन करने में मदद करता है। इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल हिंदी रेल टेक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आइए देखते हैं। नाम है ट्रैक सर्किट, अर्थात रेलवे ट्रैक का बना हुआ एक इलेक्ट्रिक सर्किट। जी बिल्कुल, रेलवे ट्रैक एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के रूप में बना हुआ रहता है, उसी का नाम है ट्रैक सर्किट। वैसे तो ट्रैक सर्किट को इस प्रकार से डिफाइन यानी परिभाषित किया गया है। ट्रैक सर्किट का मतलब बिजली के उस सर्किट से है जो लाइन के किसी भाग पर किसी वाहन की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है, जिसमें रेलवे पथ की पटरियां सर्किट का भाग होती है। परिभाषा से तो स्पष्ट है कि ट्रैक सर्किट एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, तो इस प्रकार समझते हैं। जैसे ये दो वायर है और ये दोनों वायर इस इलेक्ट्रिक बल्ब से जुड़ा है। जब इस एक वायर में पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और दूसरी वायर में निगेटिव सप्लाई देते हैं तो यह बल्ब जलने लगता है, तो यह एक इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ। तो इसी प्रकार ट्रैक सर्किट भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, बस अंतर यही है कि ये दोनों वायर की जगह पर यहाँ पर ये दोनों रेलवे लाइन सर्किट से जुड़ जाता है। अर्थात एक रेलवे ट्रैक में पॉजिटिव सप्लाई करंट दिया जाता है तो दूसरी रेलवे ट्रैक में निगेटिव सप्लाई करंट दिया जाता है और बल्ब की जगह पर रिले लगा रहता है। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट रेलवे ट्रैक से होकर इस रिले तक जाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ जिसे ट्रैक सर्किट के नाम से रेलवे में जाना जाता है। अब सवाल है कि रेलवे में ट्रैक सर्किट क्यों बनाया जाता है। तो ट्रैक सर्किट यह बताता है कि रेलवे लाइन पर गाड़ी है कि नहीं, अर्थात ट्रैक सर्किट रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की उपस्थिति को बताता है। तो अब मन में प्रश्न उठेगा कि ट्रैक सर्किट कैसे बता देता है कि रेलवे ट्रैक पर कोई गाड़ी है कि नहीं। तो देखिए, जब कोई ट्रेन रेलवे ट्रैक पर नहीं रहता है तो यह पैनल पर इस संबंधित लाइन पर कोई बत्ती नहीं जलता है, और जैसे ही कोई ट्रेन इस रेलवे लाइन पर आता है तो पैनल पर इस संबंधित लाइन पर लाल लाइट यानी रेड प्रकाश जलने लगता है। तो समझ जाइए कि रेलवे ट्रैक पर कोई ट्रेन है। जैसे देखिए, इस लाइन पर कोई बत्ती नहीं जल रहा है तो यहाँ कोई ट्रेन नहीं है, और ये देखिए यहाँ लाल लाइट जल रहा है तो इस लाइन पर कोई ट्रेन है। तो इस प्रकार से ट्रैक सर्किट यह बताता है कि किस लाइन पर ट्रेन है और किस लाइन पर ट्रेन नहीं। हाँ, एक बात और है, जब रेलवे ट्रैक टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो भी रेलवे पैनल पर टूटा हुआ लाइन लाल हो जाता है। और जब हम देखते हैं कि उस लाइन पर कोई ट्रेन नहीं है, यह लाइन रेलवे पैनल पर लाल दिखाई दे रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि रेलवे ट्रैक कहीं न कहीं टूटा हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है। तो इस प्रकार ट्रैक सर्किट की मदद से बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया जाता है। सवाल उठता है कि रेलवे ट्रैक से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो यह छूने पर, टच करने पर शॉक क्यों नहीं लगता है। तो रेलवे ट्रैक से बहुत कम वोल्टेज, लगभग 6 वोल्ट डीसी सप्लाई जाता है, यही कारण है कि शॉक नहीं लगता है। यह करंट सप्लाई रेलवे किनारे लगे ये सब लोकेशन बॉक्स में रखे बैटरी से केबल के माध्यम से रेलवे ट्रैक में जाता है। एक यार्ड में या एक रेलवे लाइन में, रेलवे ट्रैक में बहुत सारा छोटे छोटे रेलवे ट्रैक सर्किट होता है। जैसे देखिए, यह एक अलग ट्रैक सर्किट है, ये भी देखिए, ये भी एक अलग ट्रैक सर्किट है। इस तरह से बहुत सारे ट्रैक सर्किट होता है। अब सवाल उठता है कि जब रेलवे ट्रैक पर कोई ट्रेन रहता है तो वह लाइन पैनल पर लाल हो जाता है, अर्थात उस रेलवे ट्रैक के पैनल पर लाल बत्ती जलने लगता है, और जब कोई ट्रेन नहीं रहता है तो वह रेलवे ट्रैक पैनल पर बुझा हुआ यानी कोई बत्ती नहीं जलता है। तो आखिरकार ऐसे कैसे होता है। तो ट्रैक सर्किट के दोनों रेलवे ट्रैक में इलेक्ट्रिक करंट पास करते रहता है, अर्थात एक रेलवे लाइन से पॉजिटिव सप्लाई तो दूसरे रेलवे लाइन से निगेटिव सप्लाई रहता है। जब कोई ट्रेन उस रेलवे ट्रैक पर आता है तो ट्रेन के एक्सल द्वारा दोनों रेलवे ट्रैक के पॉजिटिव सप्लाई और निगेटिव सप्लाई आपस में शॉर्ट कर जाता है, जिसके कारण रेलवे ट्रैक में वोल्टेज बहुत कम हो जाता है, लगभग 0 वोल्ट हो जाता है, और
रेलवे के इंजीनियरों ने इस तरह सर्किट बनाया है कि जब ट्रैक सर्किट पर वोल्टेज बहुत कम हो जाता है तो रेलवे पैनल पर लाल बत्ती जलने लगे, वहीं जब कोई ट्रेन ट्रैक सर्किट पर नहीं रहता है तो रेलवे ट्रैक पर सामान्य वोल्टेज यानी नॉर्मल वोल्टेज रहता है। और इसका भी सर्किट इसी तरह से बनाया गया है कि इस ऐसी स्थिति में पैनल पर कोई बत्ती नहीं जले। तो इस तरह से ट्रैक सर्किट रेलवे में काम करता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।